दोस्तों आज काफी बारिश हो रही है और गुल्ली बुल्ली घर में आराम से टीवी देख रहे हैं और इधर सोन को तो जोरों की भूख लगी हुई है। बुल्ली बोलता है, सोन तुम शांत हो जाओ, मैंने बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, पिज्जा बस थोड़ी ही देर में आ जाएगी। सोन बोलता है, पिज्जा ऑर्डर किए हुए 1 घंटा हो चुका है और पिज्जा तो आधे घंटे में ही आ जाती है, तो आखिरकार इतना देर क्यों हो रहा है। गुल्ली बोलता है, सोन बारिश काफी तेज हो रही है, इसी कारण से डिलीवरी बॉय को इतनी लेट हो रही है। बुल्ली बोलता, रुको अभी मैं डिलीवरी बॉय को कॉल करता हूँ। और इधर तो डिलीवरी बॉय की बाइक पंचर हो चुकी है और डिलीवरी बॉय तो काफी परेशान भी लग रहा है। वो सोच रहा है कि आखिरकार इतनी बारिश में गुल्ली के घर पर पिज्जा कैसे डिलीवर करेगा। तभी बुल्ली का कॉल आता है, तुम्हें पिज्जा डिलीवर करने में इतनी लेट क्यों हो रही है, मैं तुम्हारे मालिक से शिकायत करूंगा। सर मेरी बाइक पंचर हो चुकी है और मैं आपके मोहल्ले के कब्रिस्तान के पास खड़ा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बुल्ली बोलता, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ क्योंकि मेरे सोन को काफी जोर की भूख लगी हुई है। और फिर बुल्ली फोन को काट देता है। गुल्ली बोलता, क्या हुआ बुल्ली, डिलीवरी बॉय कब तक पिज्जा डिलीवर करेगा। उसकी बाइक पंचर हो चुकी है और वो पुराने कब्रिस्तान के पास खड़ा है, हमें वहाँ पर जाकर उससे पिज्जा लेना होगा। सोन बोलता है, जल्दी चलो वरना भूख के कारण मेरे पेट के चूहे आत्महत्या कर लेंगे। गुल्ली बोलता है, तुम दोनों स्कूटर से पिज्जा लाने के लिए चले जाओ, तब तक मैं यहाँ बैठकर टीवी देखता हूँ क्योंकि मुझे मेघ जो को वांटेड की वीडियो काफी पसंद है। बुल्ली बोलता, हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और मेघ जो को वांटेड की वीडियो तो बरसात में देखने का अलग ही मजा है। सोन बोलता है, जल्दी चलो वो डिलीवरी बॉय हमारा इंतजार कर रहा होगा। और फिर बुल्ली और सोन पिज्जा लाने के लिए चले जाते हैं। बुल्ली बोलता है, सोन बारिश तो काफी तेज हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, आखिरकार इतनी बरसात में हम लोग पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचेंगे कैसे, इतने बारिश में मैं स्कूटर नहीं चला सकता। सोन बोलता है, स्कूटर तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है बुल्ली, बल्कि स्कूटर मैं चलाऊंगा। बुल्ली बोलता है, तुम्हें स्कूटर ठीक से चलानी नहीं आती, तुम्हें पिछली बार की बात याद नहीं, तुम्हारे कारण कितना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका था। सोन बोलता है, अब मैं अच्छे से स्कूटर चलाना सीख चुका हूँ, तुम चिंता मत करो एक्सीडेंट नहीं होगा। बुल्ली बोलता, ठीक है सोन तुम ऐसे नहीं मानोगे, पर स्कूटर धीरे चलाना। सोन बोलता, हाँ बुल्ली मैं स्कूटर धीरे ही चलाऊंगा, बस एक बार तुम मेरे साथ तो बैठो। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों स्कूटर पर जाकर बैठ जाते हैं। बुल्ली बोलता, तुम्हें याद है ना सोन मैंने तुम्हें क्या बोला है, स्कूटर बिल्कुल धीरे चलाना। सोन बोलता है, तू अपना मुंह बंद कर वरना मैं तुम्हें स्कूटर से नीचे गिरा दूंगा। और फिर सोन फुल स्पीड में स्कूटर को भगाता है। बुल्ली बोलता, सोन स्कूटर धीरे चलाओ वरना मैं गिर जाऊंगा। सोन बोलता है, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है और मैं पिज्जा खाने के लिए काफी बेताब हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो डिलीवरी बॉय वहां से चला जाए। तभी बुल्ली बोलता है, सोन सामने देखो। और फिर बुल्ली और सोन का एक्सीडेंट हो जाता है। बुल्ली और सोन उठते हैं, सोन बोलता है, चलो ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। सोन बोलता है, और हमें चोट भी नहीं लगी। बुल्ली गुस्से से सोन की तरफ घूरता है। सोन बोलता, क्या हुआ बुल्ली तुम्हें चोट तो नहीं लगी। बुल्ली बोलता है, मुझे तो चोट नहीं लगी पर तुम्हें काफी चोट लगने वाली है। बुल्ली सोन पर घूसों की बरसात कर देता है। सोन बोलता है, मुझे माफ कर दो बुल्ली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं तुम्हारी बात नहीं माना, अब जल्दी चलो वरना वो पिज्जा वाला वहां से चला जाएगा। बुल्ली और सोन उठकर खड़े होते हैं। बुल्ली बोलता है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, हमें जल्दी से पिज्जा लेकर घर जाना पड़ेगा वरना हम बीमार हो जाएंगे। और फिर बुल्ली और सोन स्कूटर पर बैठकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों बुल्ली और सोन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, पर जो भी होगा आप लोग को काफी मजा आएगा। और फिर थोड़ी ही देर में बुल्ली और सोन पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। सोन बोलता है, यहाँ पर तो डिलीवरी बॉय है ही नहीं, कहीं वो चला तो नहीं गया। बुल्ली बोलता है, नहीं सोन देखो डिलीवरी बॉय की बाइक यहीं पर लगी हुई है और इस पर हमारा पिज्जा भी रखा हुआ है। सोन बोलता, तो चलो हम लोग ये पिज्जा उठाकर यहाँ से चले जाते हैं और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। बुल्ली बोलता, नहीं सोन डिलीवरी मैन को उसके पैसे दे देने चाहिए क्योंकि उसके मेहनत के पैसे हैं। और ये चोरों वाली हरकत तुमने सीखी कहाँ से? अपने पापा से। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। बुल्ली बोलता, ये मजाक की बात नहीं है, हमें डिलीवरी बॉय को खोजना होगा। सोन बोलता, पर इतनी बारिश में आखिरकार वो गया कहाँ होगा, वो तो हमें आगे बढ़कर ही देखना होगा। और फिर बुल्ली और सोन दोनों स्कूटर से उतर जाते हैं और डिलीवरी बॉय के बाइक के पास चले जाते हैं। सोन तो पिज्जा को ही घूर रहा है। बुल्ली बोलता है, अपना मुंह से लार टपकाना बंद करो सोन, हम बिना डिलीवरी बॉय को पैसे दिए हुए पिज्जा नहीं खाएंगे।
सोन बोलता अंधेरा काफी ज्यादा है और इतने अंधेरे में आखिरकार वो गया कहाँ होगा। बुल्ली बोलता कहीं वो हमें खोजता हुआ कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं चला गया। बुल्ली और सोन कब्रिस्तान के गेट के अंदर झांकने लगते हैं। तभी बुल्ली को आगे झाड़ियां में से कुछ आवाज आती है। बुल्ली कब्रिस्तान में लगे हुए लालटेन को हाथ में लेकर आगे बढ़ जाता है। बुल्ली काफी डरा हुआ अभी है। बुल्ली बोलता कहीं वो डिलीवरी बॉय हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, और अगर ऐसा है तो मैं डिलीवरी बॉय को पैसे नहीं दूंगा और उसका पिज्जा भी मैं फ्री में ले जाऊंगा। बुल्ली झाड़ी के अंदर देखने की कोशिश करता है, पर ये क्या, यहाँ तो डिलीवरी बॉय की लाश है। बुल्ली ये देखकर काफी डर जाता है और दौड़कर सोन के पास भागता है। सोन बोलता क्या हुआ बुल्ली, आखिरकार तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर तुम भागते भागते आ रहे हो। बुल्ली बोलता है वहाँ झाड़ी के पीछे डिलीवरी बॉय की लाश है। सोन बोलता ये क्या बोल रहे हो बुल्ली, पहले से ही मेरा दिमाग भूख के कारण खराब है, तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। बुल्ली बोलता नहीं सोन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पर सच में डिलीवरी बॉय की लाश है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मेरे साथ चलो। सोन बोलता कहाँ पर तुमने डिलीवरी बॉय की लाश देखी है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। बुल्ली बोलता है आओ मेरे पीछे। लेकिन बुल्ली और सोन के आने के पहले तो डिलीवरी बॉय की लाश को तो कोई खींच कर लेकर जा रहा है, और जब तक बुल्ली और सोन वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक वो डिलीवरी बॉय की लाश को खींच कर लेकर जा चुका होता है। बुल्ली बोलता है मैंने यहीं पर डिलीवरी बॉय की लाश देखी थी। सोन बोलता है पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बुल्ली बोलता है पता नहीं डिलीवरी बॉय की लाश कहाँ चली गई। सोन बोलता है मैंने पहले ही बोला था मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, और अगर तुमने अब की बार ऐसा गंदा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, पर बुल्ली इतना जान चुका है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, और एक बार फिर से सोन कब्रिस्तान के अंदर झांकने लगता है। सोन बोलता है वो देखो वो डिलीवरी बॉय उस कब्रिस्तान के अंदर बैठा हुआ है। बुल्ली बोलता है पर मैंने तो वहाँ पर डिलीवरी बॉय की लाश देखी थी, तो आखिरकार ये जिंदा कैसे है। सोन डिलीवरी बॉय को काफी आवाज लगाने की कोशिश करता है, तुम अंदर क्या कर रहे हो, हम लोग बाहर है, आओ और अपने पैसे ले जाओ। बुल्ली बोलता है सोन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सोन बोलता है मैं बिना पिज्जा लिए हुए यहाँ से नहीं जाने वाला, और फिर कब्रिस्तान का दरवाजा खुद पर खुद खुल जाता है। सोन बोलता है चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए, और इतना बोलकर सोन अंदर चला जाता है। बुल्ली भी सोन के पीछे पीछे चला जाता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा बुल्ली और सोन का, क्या ये दोनों पिज्जा लेकर घर जिंदा जा पाएंगे, या फिर इन दोनों के साथ कुछ बुरा होने वाला है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट टू में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।